हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूं आप सबका मेरे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है आज का फ्रीडम फ्रॉम फियर। जी हां, डर से आजादी। कैसे हम अपने डर से फ्री हो सकते हैं, डर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और उससे फ्री कैसे हो सकते हैं और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, डर एक तरह की बीमारी होता है जिसके कारण हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब आपको लगता होगा किस तरह का डर, हम लोगों को तो कोई डर नहीं है, बट हम सबकी लाइफ में डर एग्जिस्ट करता है, फियर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे फियर्स? अपने किसी क्लोज वंस को खो देने के फियर्स, फाइनेंशियल लेवल पे लॉसेस होने के फियर्स, अपने फैमिली में किसी की डेथ होने का फियर, इस तरह से हमारे लाइफ में फियर एग्जिस्ट करता है। तो हम किस तरह से इस डर से फ्री हो सकते हैं? देखिए, ये जो फियर है ना, ये रूट कॉज होता है हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों का। हमारे हाथ कांपना, हमारी स्वेटिंग होना, हमारे स्टमक में पेन होना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे जाना, ये सब हमारे अंदर के डर के कारण होता है। किसी चीज को लेके हमारे मन में कोई डर होता है, डर हो जाता है, किसी भी तरह का डर हो जाता है किसी भी मोमेंट पे, तो हमें इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। अब हम इस डर से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखिए, आप बैठिए रात में या किसी भी शांत प्लेस पे, जब भी 5 मिनट का टाइम हो आपके पास, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आप अपनी आंखें बंद करने के बाद में डीप ब्रीदिंग कीजिए 4 से 5 बार। उस डीप ब्रीदिंग को करने के बाद आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें निकल रही है, कुछ नेगेटिविटी निकल रही है, ऐसा निकल रहा है कि नहीं मैं गरीब ही रहूंगा, या मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरे साथ तो सब बुरा ही होने वाला है, तो यही आपका डर है। आपको इसी को ठीक करना है। आप कैसे ठीक करोगे? आप धीरे धीरे अपने अंदर इन चीजों को चुप करा के ये बोलना स्टार्ट करो। आप अपने मन से अंदर से बोलना स्टार्ट करो कि मैं मेरे लाइफ में गुड लक ही गुड लक है, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में सब ईश्वर की मर्जी से होने वाला है और ईश्वर की मर्जी से सब अच्छा होने वाला है। आप डेली बेसिस पे जब इन चीजों को रिपीट करते हैं, ये तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, रियल बिलीव्स और इमेजिनरी बिलीव्स पे फर्क नहीं कर पाता है। जी हाँ, जब आप डेली इन चीजों को रिपीट करते हैं तो जो आपके पुराने डर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन नए बिलीव्स को एक्सेप्ट करने लग जाता है। आपको पता है, जो हम बिलीव करते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, हम अपने लाइफ में वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, हमारी लाइफ में वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। अगर हम डरते हैं ना, तो हमारे लाइफ में बैड लक ही मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि हम अपने दिमाग से ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे चलता है। हम अपने दिमाग से हम उसी तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड करते हैं, डर की, बैड लक की, नेगेटिविटी की, और यूनिवर्स हमें भर भर के फिर बैड लक और नेगेटिविटी देते हैं, हमारी लाइफ में बुरी चीज़ें देते हैं, दुख देते हैं, पेन देते हैं। इसमें यूनिवर्स का या भगवान का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा रोल है। और अगर हम इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें और हम सिर्फ हैप्पीनेस की, प्रोस्पेरिटी की, लकी होने की वाइब्रेशंस भेजे, खुश होने की वाइब्रेशंस भेजे, रिच होने की वाइब्रेशंस भेजेंगे ना यूनिवर्स में, तो हमारी लाइफ में धीरे धीरे वही मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए, ताकि मैं और बेटर वीडियोस लेके आपके लिए आ सकूं और बेटर वे में। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन चीज़ों पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। लव यू ऑल, थैंक यू। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हम सब जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।